हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री सत्य नारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से सभी कष्टों का नाश हो जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही श्री सत्य नारायण भगवान की पूजा है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्य नारायण भगवान की जय। श्री सत्य नारायण व्रत कथा पहला अध्याय। प्राचीन समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लें तथा भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह इसे करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्य